ठीक है वहाँ पर ठीक है तो सब चाचा जी अंकल जी सब कथा हो गया ध्यान लगते हैं। हाँ ये सूक्ष्म व्यायाम सूक्ष्म एक्सरसाइज श्वास लेना छोड़ना श्वास जब आप पीछे और करेंगे उठे तो श्वास भरना है ऐसे श्वास छोड़ना आगे ले जाते हैं
फिर ऐसे क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज हो रहा है घुमाने लेने के बाद ठीक रहते हैं। अब आगे पीछे पे करना है पैर श्वास लेना देना, तो आगे झुकते हुए पैर श्वास छोड़ेंगे पीछे आते हुए श्वास लेंगे। एक एक ब्रेथ में टॉक्सिन ऑक्सीजन नेगेटिव एनर्जी से पार्टिकल कर जाती है, उस नेगेटिव एनर्जी को टॉक्सिन को ऑक्सीजन को कम करने के लिए पैरों को घुमाएंगे आगे पीछे दोनों तरफ पांच बार सीधा पांच बार ये श्वास लेते हुए पैरों को हिलाते विपरीत फिर से ऐसा करेंगे रोक के रखेंगे कुछ देर श्वास रोक श्वास छोड़ेंगे आगे पीछे पैर को मिलाएंगे पैरों को यहाँ लाएंगे ये वाले हाथ से लगाएंगे और इसको ऐसे कभी घुमाना एक दो तीन चार ये पैर ऐसे रखिए बस पकड़िए हाँ ये वाला हाथ है सात आठ नौ और दस फिर विपरीत भाई ऐसा घुमा रहे थे वैसा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दस पड़ती है। अब दूसरे पैर से राइट लेग को लेफ्ट के ऊपर ऐसे रखा और ऐसे एक दो तीन चार पाँच छ सात सामने लाएंगे ये वाले हाथ से पकड़ेंगे एक बार हाथ से ये ऐसा करेंगे एक दो तीन चार और ये पांच अब दूसरे पैर को दोनों पैरों को मिलाएं जॉइंट को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए पांच तो मैं कह रहा था जब आपका होली पैर पूरे खुल जाएंगे योग इज द होली प्रैक्टिस अब चलिए घुमा ले हाथ को चक्की चलाना तो दिस इज योर रियल हॉलीडे बाकी तो आपका फूड डे होता है आपका पिक्चर डे होता है आपका स्लीपिंग डे होता है देखो मैं आपको विपरीत भी पांच बार सच्ची और पक्की बात आप जितना फिट रहेंगे ना उतना ज्यादा आपको हैप्पीनेस मिलेगा फिजिकली फिट रहो मेंटली एकदम फिट रहो एकदम आप योग करो एकदम मस्त रहो दो साल तक जवान रहोगे और दो साल बाद मर जाओगे तो कोई बात नहीं दूसरे आ जाएंगे कोई परमानेंट ठेकल है स्थिति में आएंगे देखो काम पूरा करना पद्मासन लगा ले तो और अच्छा रहेगा ये पद्मासन के लिए जो आसन बनाए गए ये वाले इससे पद्मासन में काफी देर तक कर सकते हैं पद्मासन जल्दी लगेगा हाथों को सामने करते हुए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दस अब अंदर बाहर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दस कलाइयों घुमाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ
भूख बहुत अच्छी लगती है, कम खाता हूँ, नींद खूब आती है फिर भी कम सोता हूँ। तीन चार स्लीपिंग पिल तो मुझे पता ही नहीं होती, शकल तुरंत कैसी होती। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, एसिडिटी, दो कॉन्स्टिपेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, ना बीपी, ना शुगर, ना कोलेस्ट्रॉल, और पांच विपरीत, एक दो तीन चार और पांच, हाथों की तरह लाएंगे घुमाएंगे, एक दो तीन चार पांच विपरीत, एक दो तीन चार पांच, अब सर को घुमाएंगे, each and everything in this universe is complete, nothing is incomplete, body के cell से लेकर के universe के एक atom से लेकर के विपरीत सब कुछ पूर्ण है। दोनों हाथ के अंदर डालो कर दो पूर्णता। छुट्टी के दिन 2 घंटा योग प्रैक्टिस किया करो, डेली 1/2 hour to 1 hour, मैं डेली 2 hours योगा प्रैक्टिस कर रहा हूँ डेली। एक्सरसाइज, पोस्चर, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, सुबह उठना, उठ करके गर्म पानी पीना, आंवला एलोवेरा जूस पी लो, एलोवेरा पी लो, आंवला पी लो, गिलोय पी लो, तो ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है।
एक साथ आराम से एक लय में। आँख बंद रहेगी, गहरा लंबा श्वास। अब इसको भी मैं युवाओं वाली स्टाइल का 5 मिनट ऐसे करना आपको रोज नियम से, जवानों वाली स्टाइल से बता रहा हूँ।
थोड़ी भी कचरा होगा पुल का कस से करके तो निकल ही आता है सामने वाले गांधी जी का भी नाम ले लिया करो, गांधी जी का भी नाम ले लिया करिए। सुबह शाम को भी उन्हीं का नाम लेता, नोट नोनी को देखता। गांधी जी के बिना कोई आग नहीं ले सकता। जाओ दुकान तो पहले लक्ष्मी की पार्टी होगी तो सबसे पहले गांधी जी दिखेंगे। लक्ष्मी तो नहीं बनी, पर गांधी जी भी बनी। बहुत बड़ी डिजाइन है। आइए थोड़ा सा कितनी उड़ी बस में चढ़ी सुखासन परमासन सिद्धासन सिद्धासन में रिलैक्स मिले सिद्धासन में बैठ जाए शरीर सीधा तना हुआ पेट को पेट को कपाल भाजी
Yeah.
प्राणायाम कर लेते हैं, श्वास को बाहर छोड़ते हुए बाहर रोक देंगे तो श्वास को भरना पूरक कहलाता है, योग में बाहर छोड़ना रेचक कहलाता है। बाहर छोड़ के बाहर रोक देना बाह्य कुंभक, अंदर भर के अंदर रोक लेना अभ्यंतर कुंभक, थोड़ी कुकुन कुंभ लगाना जालंधर मत, पेट को छोड़ के पीछे लगाना उद्यान पर, खींच के रखना मूल बंद। जैसे एग्रीकल्चर के फील्ड में भी, खेती के क्षेत्र में भी अलग ये रबी की फसल है, ये इसकी फसल है, ये उपज ऐसी है, इसका ये दाम है, ये इसका बीज है, ये इसका ऐसा खाद है, उसके अलग अलग शब्दावली होती है। तो ये योग की शब्दावली से मैं आपको परिचय करवा रहा था। श्वास को बाहर छोड़ कर के बाहर रोक देंगे, श्रद्धा मूलाधार्थ शस्त्रार्थ तक अपने अंतःशक्तियों को जगाते हैं, देह को देवालय बनाते हैं, अपने आप को सब प्रकार के दिव्य भावों से भरते हैं। मैंने तीन शब्द बोले थे आपको, स्वयं को जानना, स्वयं को जगाना और फिर अपने लक्ष्य को पाना। जानना, जगाना, पाना, स्वयं को जानना, स्वयं को जगाना, फिर अपना मनवांछित अभीष्ट पाना।
चलो रोक पाए फूल बदल मेरा जितना पेट अंदर ना जाए तो जितनी जगह होगी उतना ही तो जाएगा, जितना जा सके उतना ले जाना। बहुतों के तो ट्रैफिक जाम है पूरे, ठसा ठस भर रखा है ठोक ठोक के, जैसे अनाज की बोरी सी भरते हो ना, ऐसे फैट की बोरी भर रखी, वेट की बोरी। ये यहाँ से खाली रहना चाहिए, इधर उभरा हुआ होना चाहिए, हो जाए लगाए बॉडी शेप में रहनी चाहिए। जो चीज जैसे होती है ना वैसे होनी चाहिए, सुंदर दिखती है। और ये मोटापा ये बदसूरती नहीं देता, ये बीमारियां भी देता है। श्वास को बाहर छोड़ देंगे, बाहर रोक देंगे, तीन बंद देता है। उर्ध्वरेता बनना है तो 51 बार करिए, 31 तो ये बहुत बड़े बड़े शब्द, उर्ध्वरेता होना, कुंडलिनी जागरण बड़ा चलना होगा, शक्ति पास उर्ध्वरेता होना, मृत्युंजय होना, मृत्यु पर भी विजय पाने। बीमारियों की तो बात और औकात ही क्या है।
आशीर्वाद तो सभी का देना है। हम ब्रह्मा जी की अनुभूति होगी आपको, अनुभव ब्रह्मज्योति ये क्रम है। गायत्री माता का जप करेंगे, उनका नाम लेके और श्वास छोड़ते हुए उनका नाम लेंगे। वही मन जागता रहे, संगीत चलता रहेगा, आँख बंद करके दो लोगों को ध्यान लगा के अपने अपने सामर्थ्य आराम से श्वास भरेंगे। आराम से आनंद रस के निर्मल सागर हो तुम प्रभु जी, आनंद रस के निर्मल सागर हो तुम प्रभु जी, जन्मों के प्यास हमको के प्यास हमको करते हैं तुमसे अर्जी, अब प्यास तुम उठाओ है आपकी शरण, करुणा प्रभु दिखाओ है आपकी को प्रभु जी अखियां पल पल तरस रही है, ओ दर्शन को प्रभु जी अखियां पल पल तरस रही है, सावन के मेघ पन कली कब से बरस रही है, प्रभु अब तुम्हारी आपकी शरण, करुणा प्रभु दिखाओ है आपकी शरण।
कृपा तुम्हारी प्रतिपल बरस रही है। प्रभु जी कृपा तुम्हारी प्रतिपल बरस रही है। लेकिन विरह की ज्वाला फिर भी न बुझ रही है। अब राह तुम दिखाओ हे आपकी शरण में। अब राह तुम दिखाओ हे आपकी शरण में। करुणा प्रभु दिखाओ आपकी शरण। दर्शन प्रभु कराओ आपकी शरण में। करुणा प्रभु दिखाओ आपकी शरण में। दर्शन प्रभु कराओ आपकी शरण में। आपकी शरण
करें। और अपने आप को देखिए, जस्ट अ पॉइंट लाइट। एक चमकता हुआ सितारा शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। बुद्धि के द्वारा हल्के से उसको देखने का प्रयास कीजिए। मैं चैतन्य शक्ति हूँ, मैं आत्मा ज्योति स्वरूप इस प्रकृति के बीच विराजमान, इस शरीर की मालिक हूँ। अपने ओरिजिनल स्वरूप में मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति जिसको मैं हर जगह ढूंढ रही थी, ये तो मेरी अपनी नेचर है, अपनी प्रॉपर्टी है, मेरा अपना संस्कार है। शांति के वाइब्रेशंस मुझ आत्मा से निकल चारों तरफ फैल रहे। शांति की वाइब्रेशंस मुझसे निकलकर चारों ओर फैल रहे हैं। के साथ कि मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ और मैं किसकी हूँ। ओम शक्ति।
अष्टो मा शरीरमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु ओम शांति शांति पृथ्वी शांति आप शांति शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति शर्वारिष्ट शांति सुशांतिर्भवतु। जय हो, नाश हो, सद्भावना हो, कल्याण हो। जय हो, 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 जय हो। थोड़ा सा लास्ट लास्ट में आसन जरूर करा दिया, ध्यान अभी नहीं, मतलब आवाज हो गया आसन। हाँ मतलब ऐसा आदमी बदल वाला है, जवान को तो काफी आराम मिल जाता है, से काफी आराम मिल जाता है। सकाले से काम है, ये बताओ पहले मैंने इन बजे उठा रहा वाला है, रोज रोज 8:30 बजे उठते तो रहा हूँ। सबकी बात नहीं करते आप, उठाते हैं क्या? हमारा नहीं है वो, तुम्हारा पता नहीं है। लो जी चलो घर से 4 बजे को छोड़ दो, बाकी सब 5:30 6 बजे हम उठ जाते हैं, 5:30 तक हम 9 बजे वाले हम पहले 7 बजे तक उठते रहे, 9 बजे वाले वो पीछे बैठा है। संभालोगे तुम